तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं पेस्ट स्पेशल की सेकंड क्लास। पेस्ट स्पेशल की हमारी ये सेकंड क्लास में हम बात करेंगे कि कैलकुलेशन और बाकी चीजों का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने बताया आपको कि हमारे पास एक डेटा है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, तो अगर हम 20 को कॉपी करते हैं, इसे पेस्ट करते हैं, तो 30 हमारा 20 से रिप्लेस हो जाता है, राइट। बट इसी में अगर हम पेस्ट स्पेशल करते हैं, पेस्ट स्पेशल में हमारे पास यहां पर है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में अगर मान लीजिए मैंने दे दिया यहां पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगी और रिजल्ट जो है वो रिजल्ट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। हो गया सर। तो आखिर इसका बेनिफिट क्या है, इसका यूज क्या है, तो चलिए कुछ एग्जांपल के साथ इसका इस्तेमाल हम आपको बताते हैं। तो जब हम ऑफिस में काम करते थे तो हमारे एक स्टाफ थे, वो मुझे कुछ डेटा भेजा करते थे। एक सेकंड कीजिएगा सर, तो यहां पे हम मान लीजिए कि हमारे पास कलीग जो थे भेजते थे, तो हमें यहाँ पे ये लगा देते थे, परसेंटेज सिंबल दे देते थे, मुझे परसेंटेज भेजा करते थे। तो आगे बढ़ने से पहले हम परसेंटेज के बारे में एक बार बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे 20 लिखा और हमने यहाँ पे 30 लिखा, तो नॉर्मल डेटा है, या किसी को परसेंटेज में लिखना हो तो हमें 20 और परसेंट का सिंबल लगाना होगा, फिर 30 और फिर 30% का सिंबल लगाना होगा। आ गया। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि 20 कर दिया और इसके ऊपर अगर आपने परसेंटेज का सिंबल लगाया, तो 2000% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2000%। मतलब कि एक्सेल में 1 = 100% होता है। क्या होता है? 1 = 100%। समझ गए? समझ में आया सर? हाँ सर। तो अब यहां पे ये बात समझ में आ गई आपको? तो मतलब कि मुझे अगर परसेंटेज का सिंबल देना है तो 0.10 रखूंगा या 0.20 करूंगा और इसके ऊपर हम परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे, तो 20% आपको यहां दिख जाएगा। समझ गया सर? अब मेरे कलीग क्या करते थे, हमारे कलीग करते थे कि वो हमें रिकॉर्ड भेजते थे, तो वो परसेंटेज का हेडिंग दे देते थे और नंबर में डेटा भेज देते थे। सर आप हेडफोन यूज कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा शोर आ रहा है, मेरी आवाज मेरी रिकॉर्ड में वापस मुझे यार सुनाई दे रही है। ओके। हाँ सर। चलिए, तो अब परसेंटेज का सिंबल इस तरह से दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इस पे परसेंटेज अप्लाई करनी है। तो क्योंकि मैं इस डेटा को जहां यूज करने वाला हूं, वहां क्या है, जहां मैं इस डेटा को यूज करने वाला हूं वहां पे प्रॉब्लम यह है कि वहां पे आपका परसेंटेज में चाहिए 62% चाहिए, 60% से काम नहीं चलेगा, हमें 62% चाहिए। राइट सर? तो अब इसको हमें परसेंटेज में सिंबल करना, मतलब एक एक करके मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि एक सेल पे 100 लिख दिया, इस 100 को कॉपी किया
पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हमने यहां डिवाइड कर दिया। अब देखिए 62 है, तो अगर जीरो, ये 0.62 होता क्या, तो ये आपका परसेंटेज सिंबल अप्लाई हो सकता था ना इसमें? हाँ सर। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक नंबर डिवाइड हो गया। अब इसमें हम परसेंटेज का सैंपल ले देते हैं। ओके समझे? अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करें तो सर 6200 हो जाएगा, राइट? हाँ, क्योंकि हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया ना कि 1 = 100% होता है। 100 होता है, मतलब हम डायरेक्ट अगर अप्लाई करें तो पूरा जो सीट है वो 62 मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगी। जी हाँ, तो मतलब कि आपको अगर 62% चाहिए तो आपको लिखना होगा 0.62, देन इसमें परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपने सीखा है तो एक चीज और सीख लीजिए कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे 500 का 30% निकालना है, तो 30 अगर लिखा हुआ है तो आपको दिक्कत होगा, तो 30% लिखा हुआ है एक्सेल में, तब क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना। ओके ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पे आपको 500 यहां दिया हुआ, राइट, और यहां पे 30 दिया हुआ है, तो मुझे इसको 30% करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 into this and then by divide, yeah, 5 multiply by 30 divide by 100. तो परसेंटेज का सिंबल लगा है तो ऑलरेडी डिवाइड है, और सेम इसी तरह से परसेंटेज निकालना है कि अगर मान लीजिए 500 है और 275 आया है, तो कितना परसेंट आया, सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय मल्टी डिवाइड होगा ना, इसको 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 सिलेक्ट कीजिए और आपको डिवाइड बाय 500 कर दीजिए, इसके ऊपर परसेंटेज सिंबल अप्लाई कीजिए। अब यहां पे एक चीज और आता है कि हमारे पास एक और है कि सेल्स है हमारे पास, तो हमारे पास प्रोडक्ट के कुछ सेल है, प्रोडक्ट 1, 2, 3 इस तरह से सेल हमारे पास सेल आया है, 5 प्रोडक्ट है, तो मेरे पास 5 प्रोडक्ट आया है, उसी के सामने उस प्रोडक्ट का सेल भी है और उसका टारगेट भी है। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने यहां पे लगाया हुआ, कॉपी किया और यहां पे पेस्ट करता हूं। अब मान लीजिए कि ये हमारा एक तरफ सेल है और दूसरे तरफ जो है हमारा टारगेट। अब बॉस को हमने मेल भेजा तो बॉस ने बोला कि नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि ये 46 सेल किया है, हमें बताइए कि इसने अपने टारगेट का कितना परसेंट अचीव किया है, हमें फिगर से कोई मतलब नहीं है, वी नीड टू परसेंटेज। तो यहां पे प्रॉब्लम है कि यहां मुझे डिवाइड बाय 42 करना पड़ेगा क्या, और ऐसे वन बाय वन सब में करना पड़ेगा ना। तो अगर आपका जो सीक्वेंस ये है सेम सीक्वेंस यहां पे दिया हुआ है, तो इसको कॉपी कीजिए, इसके ऊपर जाइए पेस्ट स्पेशल और इसमें कर दीजिए आप डिवाइड, हो गया डिवाइड सर। डाल दीजिए। ओके, तो वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी दोनों कर सकते हैं। समझ गए? ओके सर, गॉट इट।
आगे बढ़े सर। हाँ सर बढ़िया, गुड। अब इसमें आगे अगला ऑप्शन आता है कि मैं यहाँ पे ऐसे पास बहुत सारे नंबर है। और मुझे इस नंबर में कहीं कहीं पे कुछ चेंजिंग है, इस तरह से कहीं कहीं पे कुछ चेंजिंग है। अब मुझे क्या करना है, इसको अपडेट करना है, मुझे इसको अपडेट करना है। अपडेट इन द सेंस कि ये चेंजिंग है, तो 42 के जगह पे यहाँ पे 50, यहाँ 42 के जगह पे यहाँ पे आपका होना चाहिए था 52। तो जो ब्लैंक है वो नंबर सही है, लेकिन जो ब्लैंक नहीं है वो नंबर गड़बड़ है। तो मैं चाहता हूँ जो ब्लैंक है वो फिल हो जाए। तो इस केस में क्या करेंगे, हम इस केस में हम इसको कॉपी करते हैं और इसके ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे करते हैं स्किप ब्लैंक। देखिए दिखा सर, सर समझ में आया कि नहीं सर? नहीं सर, दोबारा करिए एक बार प्लीज। कर रहा हूँ, दो मिनट दीजिए। हेलो, हेलो, सॉरी सर म्यूट हो गया था, पता नहीं चला। हाँ सर, हाँ सर, वापस करिए। मैं समझा रहा हूँ, जैसे कि आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, नंबर है, तो अब इस नंबर को आपने अभी तो चलिए मान लीजिए मैं 20-22 नंबर दिया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 500, 700 इस तरह से 1000, 10000, 20000 ऐसे नंबर हों, उसमें से कुछ अपडेट करना है, कुछ चेंजिंग करना है कि हाँ इसमें से कुछ नंबर हमें अपडेट करने हैं। वो 52 की जगह पे मैंने 48 था, लेकिन गलत है, उसकी जगह 52 होना चाहिए। तो अब ऐसे ही आप 1 by 1 इसको कॉपी करके इसे पेस्ट कीजिएगा तो काफी टाइम लगेगा ना सर? क्या इस तरह से अगर हजारों होगा तो? Yes. तो हमारे पास एक फीचर होता है कि आप पूरे एरिया को कॉपी कीजिए और इसमें राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा स्किप ब्लैंक। ये क्या करता है कि जो एरिया कॉपी हुआ है, जो एरिया कॉपी हुआ है उसको वो कॉपी, जो एरिया कॉपी हुआ है उसमें जो ब्लैंक है उसको कॉपी से बाहर कर देता है। ओके, समझ गए? उसको कॉपी से बाहर कर देता है, समझ गए? ओके कीजिए। और पेस्ट वही करेगा जो नंबर होगा। देखिए 48 पेस्ट हुआ, 60 पेस्ट हुआ, 75 पेस्ट हुआ।
तो ये होता है पेस एज ए लिंक। अब हम बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल एंड वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करने वाले बात। जैसे हमने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, अब इस तरह का रहता है ना सर, अगर मैं इसको कॉपी करके इसको ट्रांसपोज कर दूं, मतलब कि पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज पे सिलेक्ट कर दूं, तो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हाँ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो करिए, और इसको वापस, और ठीक है। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ पेस्ट स्पेशल, और इसमें ट्रांसपोज सेलेक्ट करता हूँ, ओके, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। अब बात करते हैं पेस्ट एज ए लिंक। लिंक समझते हैं सर? लिंक क्या होता है समझते हैं? हाँ सर। क्या बताइए? लिंक मतलब एक चीज का दूसरे चीज से जुड़ना। जी हाँ, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा, हाँ हम ये आप देखिए, आपका पी वन पी टू का डेटा ए और बी पे है, राइट? मैं चाहता हूँ कि एम और एम पे, मेरा जो है एन और एम पे भी सेम डेटा होना चाहिए, तो मुझे दो दो बार कॉपी पेस्ट करना पड़ जाता है हर दिन। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है, इसको हम ड्रैग कर दीजिए, यहाँ से पकड़िए और इसको इसको ड्रैग कर दीजिए, यहाँ ड्रैग कर दीजिए और नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, हो गया ड्रैग। अब क्या होगा कि मैं यहाँ जो भी चेंज करूंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 43 कर दिया, तो एंटर मारते 43 हो जाएगा। सेम सीट, अनदर सीट, अनदर फाइल सब पे कर सकते हो, लेकिन अगर इक्वल प्लेस करने से, ड्रैग करते उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो एक आसान तरीका है क्या कि आप उसको कॉपी करें। मान लीजिए मुझे दूसरे किसी सीट पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे देखिए पेस्ट लिंक दिख रहा है सर? हाँ सर। पेस्ट लिंक पे क्लिक कर देंगे, ओके? ओके, मतलब उसका एड्रेस और जो भी लिंक है वो पेस कॉपी हो गई, अब डायरेक्ट हम पेस्ट करेंगे डायरेक्ट। जी हाँ, जी हाँ। कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर, गुड। तो ये हमारा पेस्ट स्पेशल का पार्ट था। अब अगला आता है पेस्ट एज ए पिक्चर। जैसे मुझे ये डेटा है, मैंने सोचा फॉर्मेट कर लिया है, इस डेटा को चाहिए लेकिन जेपीजी चाहिए, पिक्चर फॉर्मेट में चाहिए, तो हमने इसको कॉपी किया और इसमें पेस्ट एज ए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिक्चर दिखा। तो इस बार क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है पेस्ट, इस पर राइट क्लिक नहीं करना है, इस पे नीचे पे क्लिक करना है और इस पे आप पेस्ट स्पेशल इस पे सेलेक्ट कीजिए, हो गया? अब इसको अपने हिसाब से इसको बड़ा करना है बड़ा कीजिए, इसको रोटेट करना है रोटेट कीजिए, जो करना है कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, रोटेट कर दीजिए। लगा लो बैठी कुंती से पसंद हो समझ गया सर? ये लिंक नहीं होगा, मतलब कि अगर मैं यहाँ चेंज करूंगा तो मेरा पिक्चर अपडेट नहीं होगा, क्योंकि इसने पिक्चर बना दिया है। मैं चाहता हूँ इसको अपडेट हो जाए, पिक्चर भी अपडेट हो जाए, तो आप इसमें पेज एज ए पिक्चर के बगल में पेज एज ए पिक्चर लिंक करेंगे। क्या करेंगे? पिक्चर लिंक। आ गया सर? अब पिक्चर लिंक का एक बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको हम लोग बोलते हैं पिक्चर लुकअप। ओके, अच्छा आपको वी लुकअप आता है? हेलो, हाँ जी सर। वी लुकअप आता है आपको? हेलो, नहीं सर। ओके, तो सबसे पहले हम आपको वी लुकअप का एक वीडियो देते हैं, ठीक है? ओके, उसको आप देखिए। वी लुकअप क्या होता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल लुकअप। जैसे आप अगर मान लीजिए आप अपने वेबसाइट, आपके कॉलेज की वेबसाइट पे जाते हैं, अपना ईमेल आईडी डालते हैं, ईमेल आईडी डालते ही क्या होता है,
मैंने अपनी रोल नंबर, सॉरी रोल नंबर डालते हैं, रोल नंबर डालते हैं, क्या होता है कि लाखों हजारों डेटा में से आपको ये दे देता है, आपका रिजल्ट निकाल कर दे देता है क्या? ऐसे बैंक में जाते हैं, बैंक बैंक को देते हैं अपना अकाउंट नंबर देते हैं, तो लाखों करोड़ों अकाउंट इसमें से कस्टमर में से आपका नंबर निकाल कर दे देता है। यस सर। उसी तरीके से वी लुकअप भी होता है कि आप डेटा को कैसे लुकअप करेंगे आप। ओके ठीक है, तो वी लुकअप होता है, उसी तरह से हमारा पिक्चर लुकअप भी होता है। तो अभी जो है हम आपको एक वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं जिसको पिक्चर लुकअप करता है। टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं आपको पहले वीडियो दिखा रहा हूँ, जो भी टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड होगा उसको हम पहले वीडियो दिखाएंगे। ठीक है अंकित जी? ओके सर। तो हम आपको इसकी वीडियो भेज रहे हैं, आप उस वीडियो को अच्छे से देख ले। कल तो संडे है, हालांकि आज सैटरडे को भी क्लास नहीं होती आज, लेकिन कल क्लास, दो दिन से क्लास आप नहीं ले रहे थे और मैं आज फ्री था क्योंकि मैं बाहर कहीं आया हुआ हूँ। ओके ओके, थैंक यू सर।